नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात करेंगे 13वीं सभा दिल्ली के चुनाव के परिणाम पर। परिणाम कांटे की टक्कर में श्रीमान सुखराज जी सेठिया विजयी घोषित हुए हैं। श्री अशोक संचेती ने जो टक्कर दी और दिल्ली समाज ने जिस मजबूती के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये चुनाव इस बात को स्पष्ट करता है कि सामाजिक पटल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही आधार बनेगी, इंगित नहीं चलेगा। सत्ता पक्ष का जो लाभ होता है, मुझे लगता है कि कहीं उसी समीकरण ने इस चुनाव में जो हमें परिदृश्य दिख रहा था, लोगों की भावनाएं हम सुन रहे थे, उसमें इतना परिवर्तन किया है। फिर भी चुनाव इस रूप में होना, लोगों का इस रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना और इस रूप में कांटे की टक्कर होना एक स्वस्थ परंपरा को बना रहा है। और वो परंपरा ये है कि कोई भी टीम अब ये नहीं सोच सकती कि श्रद्धा और आस्था के नाम पर, इंगित के नाम पर कुर्सी पर आसीन हो जाएंगे। अच्छा काम करना पड़ेगा, सही रूप से चलना पड़ेगा। ये कांटे की टक्कर समाज में जो नेतृत्व करता है उसको दिशा देती है और उसको ये बताती है कि अगर सही रूप से काम किया जाएगा तो इतनी कांटे की टक्कर नहीं होगी, आराम से आओगे। और अगर विसंगतियों के साथ समझौता करेंगे तो फिर बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। ये चुनाव सकारात्मक है, दो पक्ष में से किसी एक की हार जीत होती है, एक जीतता है एक हारता है। हमने कहा कि दोनों ही पक्ष शालीन और प्रबुद्ध, फर्क जो था वो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। और जो हवा थी, हवा में जो करंट था, उस करंट में जो बदलाव आया वो सत्ता पक्ष के समीकरण को हम कह सकते हैं। फिर भी रोमांचक चुनाव, कांटे की टक्कर और सौहार्द के साथ संपन्न होना, यद्यपि एक क्लिप तकरीबन एक मिनट की दिल्ली सभा के पूर्व अध्यक्ष, समाज का जाना पहचाना नाम, जानी पहचानी शख्सियत श्रीमान तेज करण जी सुराणा साहब की सुनी, उसमें उन्होंने परंपरा की जो बात बताई, निश्चित रूप से समाज के लिए गौर करने की बात है। जो कुछ परिदृश्य दिखा वो परिदृश्य उचित नहीं था, समाज इस पर भी विचार करे, समाज के प्रबुद्ध लोग मंथन करें कि क्या इस तरह का परिदृश्य होना
स्वस्थ परंपरा और सौहार्द की स्वस्थता के लिए बाधक बनेगा या नहीं, इस पर मंथन होना चाहिए। चलिए विजयी उम्मीदवार आदरणीय सुखराज जी सेठिया साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि आपके नेतृत्व में दिल्ली समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और जन भावना का सम्मान होगा, इस बात की अपेक्षा दिल्ली समाज भी रखता है, हम भी रखते हैं। दिल्ली समाज को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने उत्साह के साथ इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई और लोकतंत्र की स्वस्थता को आपने प्रदर्शित किया। और यह स्वस्थता यह बताती है कि आध्यात्मिक पटल के इंगित अब सामाजिक पटल की व्यवस्थाओं पर नहीं चलने चाहिए। तो व्यूअर्स बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप अगर चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।